खान साहब बुजुर्ग औरत ते बच्चियां नू गिरफ्तार करना था साढ़े सिद्धांत के खिलाफ है। की ओना ने सरहंद चा के कोई बगावत कीती? ओना दा कसूर की है? ओना दा कसूर है कि ओ बागी गोबिंद दी मां ते उस दे बच्चे ने उस बागी गोबिंद ने साडी नक विच दम कर रख्या है। मैं उस नू गिरफ्तार करन लई उस दे परिवार नू हिरासत विच लिया है। पर ध्यान रहे बच्चा ते मां उत्ते कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जेकर कोई ऊंच नीच होई तो सानू मजबूरन हरफिया बयान दा दस्तावेज दिल्ली भेजना पवेगा। काजी साहब कुछ करो। पर मेरे हत्था विच कुछ तो दियो। बागी उन्हां दा बाप है, बच्चे दा नहीं। जो मैं उन्हां दी सजाए मौत दा फतवा तुहाडे हत्था विच रखदा। ऐ मौका मैं हत्थों नहीं जान देना चाहुंदा। इको तरीका है, ना थानू फतवा लैन दी लोड़ पवेगी ता ना मैनू देण दी। ते तुसी गोबिंद तो भी अपना बदला लै पाओगे। ओ किदा? जेकर बच्चियां तो साडा धर्म कबूल करवा लिया जावे ता जदों उस दी औलाद ही साडा मजहब कबूल कर लवेगी ता उस गुरु लई इस तो वड्डी कोई होर हार हो नहीं सकती। पर मैं अपने बच्चा नाल क्यों नहीं जा सकती? बेकार दिसत ना करो माता जी, सानू जिवें हुक्म होया असी तो ओवें कर रहे हैं। चलो चलो, तुसी क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? बच्चा नू नाल लेके चलो। हाँ साहब, जो करना है वो सोच लिया। तुसी वेखना ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਤੇ ਛੋਟਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਪਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਬਾਹ ਸਰਹੰਦ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੇ। ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਗਾ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ। ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚਾਰੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹਲੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਮਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ
कि लोकी वेख के अपनी मर्जी नाल चुक के सलाम कर देने। जेकर थोड़ा भी कदे उन्हां नाल सामना हो गया तो थोड़ा सिर भी अपने आप उन्हां अगे चुक जाएगा। की होया खान साहब? गुरु पिता दे दर्शन होए लगदे ने। खामोश। हुण तुसी साडे कोल रहो, मैं वादा करदा हां कि तुहाडी हर जरूरत पूरी कीती जावेगी। वैसे भी हुण तुसी जाओगे किथे? शायद तुहानू पता नहीं, आनंदपुर उजड़ चुकिया है। तुहाडे गुरु पिता नूं असीं फड़ लैणा है। तुहाडे दोनों वड्डे भरा अजीत ते जुजार चमकौर दी लड़ाई च मर जा चुके ने। तुहाडा की यकीन करना, तुहाडी तां नीयत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म सानू बुर्ज विच कैद किता होया। खान साहब ठीक कह रहे ने बच्चेओ, इना दा धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भरावां दी तरह मारे जाओगे। साडे धर्म ने सानू मरना पहला सिखाया, इसलिए सानू मौत दे डरावे ना दियो। बच्चेओ मौत दी नहीं, जिंदगी दी गल करो, तुसी जो चाहोगे ओही मिलेगा। रहण लई ऐशो आराम ते महल राजकुमारा दी तरह ठाठ बाट। जेकर मैं कुछ भूल गया होवा तां तुसी मैनू याद करवा देना है। याद दिलाउंदा? ओ याद दिलाउना जेड़ा मेरे दादा जी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा सी उन्हां कश्मीरी पंडितां नूं जिन्हां नूं उन्हां दे धर्म परिवर्तन लई मजबूर कीता जा रहा सी। दादा जी ने कहा सी उन्हां जालमां नूं कहो पहला गुरु दा धर्म बदलो, जेकर गुरु ने धर्म बदलिया तां तुसी सब भी खुशी खुशी धर्म बदल लवोगे। हां हां याद है। तां फिर जिन्हां दे दादा जी ने किसी दा धर्म बचाउण लई अपना सीस दे दित्ता, तुसी उन्हां दे पोतियां नूं अपना धर्म कबूल करन लई कह रहे हो? सोच लो किते कोई गलती तां नहीं कर रहे? उसे दी विधवा मतलब तुहाडी दादी हाले जिंदा है, हुण की करना है? जाओ उस नाल जाके सलाह करो, कल तक दी मौलत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज साडे विच नवाब मलेरकोटला जनाब शेर मोहम्मद खान भी हाजिर होए ने, जिन्हां दे इक नहीं दो भरावां नूं इना दे पिता गोबिंद ने बड़ी बेरहमी नाल कतल कीता। तुहानू पता है तुहाडे पिता ने नवाब साहब दे भरावां नू क्यों कतल कीता सी? कोई गलती कीती होवेगी। इना दे भरावां ने इन्ने छोटे बच्चे ते इन्नी वड्डी जुबान, इन्ना वड्डा वजीर ते एने नीच काम, परे दरबार शरेआम। गुस्ताखी दी सजा मौत है। सजा मंजूर है पर चुकना कबूल नहीं। तुहानू मौत तो डर नहीं लगदा? तुहानू खुदा तो डर नहीं लगदा? जुबान संभाल के बोल, बेखौफ। बेखौफ जींदे हां, बेखौफ मरदे हां, क्योंकि असी गुरु दे सिंह हां। सिंह? हां सही काम करन वाला बंदा सिंह हुंदा है, किसे दे हंजू पूंछ के उसने खुशी देन वाला बंदा सिंह है, कमजोर की ताकत बनन वाला बंदा सिंह है, इंसाफ ले जिंदगी दाव ते लाण वाला बंदा सिंह है। ओए सिंगो, एना दे भरा इंसाफ दी लड़ाई लड़दे सी जदो तुहाडे पिता ने युद्ध विच उना दा कतल कीता। युद्ध विच ना? ओनू कतल नहीं कुर्बानी कहंदे ने। तुसी उसनू कतल कह के एना दे शहीद भरावां दी मौत दा अपमान कर रहे हो। लफ्जां दा जाल विछा के तुसी अपने बागी पिता दे गुनाह ते पर्दा नहीं पा सकदे। ओना दे गुनाह दी सजा तुहानू जरूर मिलेगी ते ओ सजा खुद नवाब मलेरकोटला तय करनगे जिन्हां दे तुसी गुनाहगार हो। दसो फिर नवाब साहब तुसी केड़ी सजा देना चाहोगे अपने ना दुश्मनानू?
मैं गोविंद कोलो अपने भरावां दी मौत दा बदला लेना चाहुंदा हां ते ओ मैं जरूर लवांगा। पर मैदाने जंग विच ए मेरे गुनाहगार नहीं हन। औरतां ते बच्चियां कोलो बदला नहीं लिया जांदा। मैं चाहुंदा हां इंसानियत दे नाते गोविंद दी मां ते ओदे बच्चियां नूं रिहा कर दिता जावे। नवाब साहब तुसी अज साबित कर दिता कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं भी इंसाफ विच यकीन रखता हां। नवाब साहब दी मर्जी ते जनता दी ख्वाहिश दे मद्देनजर मैं इन्हां नूं आजाद कर दियांगा। पर मैं इन्हां कोलों ऐ तां पुछला कि ये आजाद होके की करनगे। ओही करांगे जो साडे गुरु पिता कर रहे हन ते जिहड़ियां सिंघां दीआं आउण वालीआं नस्लां करनगीआं। की आखरी साह तक जुल्म ते बेइंसाफी दे खिलाफ लड़ांगे। ओ किवें असी अपने गुरु पिता दे सिंघां नूं फेर इकट्ठा करके फौज तैयार करांगे। सुनिया तुसी सारिआं ने इन्हां दे बागी इरादे। जिहड़ा इन्हां दा बागी बाप साडे खिलाफ कर रिहा है ओही है बागी बच्चे करना चाहुंदे ने। दसो दरबार विच बैठे काजियो ते वजीरो कि मुगलिया सल्तनत दे इन्ना बागियां बारे तुहाडी की राय है। खान साहब हुण तां सब दी राय इक्को ही हो सकदी है। सप दे बच्चे सप ही हुंदे ने। सुच्चा नंद जुबान नूं लगाम दे मजलूमा दे ओ दोस्त ने नेकी उहनां दी पहचान है। सीस झुका के आदर कर गुरु गोबिंद सिंह उहनां दा नाम है। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬੱਚੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ਹੋ ਸਬਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਫਤਵਾ। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। किथे जा रहे हो माता जी? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ